Hi, good morning, my dear friends. My name is Sushil. Hi, good morning, my dear friends. My name is Sushil Kumar, and I'm going to explain the main group topic from the environmental science. Okay. So, what is the main groups? Main group tree क्या है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे लोग. So, what are the main groups? And what is the importance of the main groups in your biodiversity conservations? Biodiversity conservations के लिए main groups कितना importance रखता है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? देखिए माय दोस्तों, कभी भी आप देखे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि मैनग्रूव्स आपको कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, है ना. इस टाइप के जो पेड़ आपको दिखाई देंगे, आपको कोस्टल एरिया में गोवा चले जाइए या अंडमान निकोबार चले जाइए, इस सब एरिया में आपको दिखाई देंगे. इस टाइप के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनग्रूव्स. क्या बोलते हैं उसको हम? मैनग्रूव्स. सो या तो कभी आप देखेंगे जस्ट वाटर के जो है नजदीक आप देखेंगे इस तरह के पेड़ पौधे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, जिसके जड़ आपके पानी में दिखाई देंगे. इसको बोलते हैं हम लोग मैनग्रूव्स. क्या बोलते हैं हम लोग? मैनग्रूव्स. देखो मैनग्रूव्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे जीव जंतु आप देखे होंगे मैनग्रूव्स के आसपास पाए जाते हैं, है ना. बहुत सारे ये जीव जंतु का इनहैबिटेट है, बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर रहते हैं सब, बहुत अपना इनहैबिटेट बना करके. तो मैनग्रूव्स जो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है. तो आगे हम देखेंगे इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम्स को किस तरह से लेके चलता है, है ना, इन्वायरमेंट चेंज में किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज को किस तरह से ये आपका सस्टेन करता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना. तो अगला जो है कि मैनग्रूव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, है ना. देखिए मैनग्रूव होता क्या है, कोस्टल ट्री जो होते हैं उसी को बोलता है मैनग्रूव्स बोला जाता है ना. सर्व्स दैट द स्टेप्टेड टू स्ट्रीम एवेंसरिन एनवायरमेंट. जैसे स्त्री होता है क्या, देखिए मुहाना, है ना. जैसे ये आपका मान लीजिए ये आपका है रिवर है, जैसे मान लो ये गंगा रिवर है आपका, है ना, और बंगाल की खाड़ी है आपका. तो मिलने से पहले यहाँ पर जो एरिया छूट जा रहा है आपका, दिस इज नथिंग बट फॉर्म डेल्टा, और इसी को बोलते हैं हम स्त्री, मुहाने वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग स्त्री, ठीक है. तो स्त्री एरिया हो गया, डेल्टा एरिया होगा, इस एरिया में सबसे ज्यादा आपका मैनग्रूव पाया जाता है ना. मैनग्रूव प्लांट्स दैट ग्रो बिटवीन हाइएस्ट टाइडल लेवल एंड द सेम लेवल और हायर देन द सी लेवल, है ना. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये जो है पेड़ पौधे उगते हैं. और मैनग्रूव्स की सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा प्रोवाइड्स करता है, ठीक है. और ये अपनी जो है श्वसन रेस्पिरेशन जो करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम इसका जो होता है, ये पत्तों से ना होकर के जड़ से सबसे ज्यादा होता है आपका, है ना. रेस्पिरेशन सिस्टम इसका ट्री के जड़ से सबसे ज्यादा होता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैनग्रूव्स का, है ना. So mangrove is the only tree that are capable of tolerant large amount of salt in water. Okay, so large amount of salt in water, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम हेलोफाइट्स. क्या बोलते हैं my dear friends? हेलोफाइट्स, ठीक है. So mangrove are known as mangal. देखो mangal, पोर्तुगल में इसको mangal बोला जाता था. Grove मतलब stand of tree, है ना. और इसी से मिलकर के बना है आपका क्या? mangrove. देखिए मैनग्रूव सबसे ज्यादा जो आपके पाए जाते हैं, जो जो एरिया कोस्टल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका मैनग्रूव्स माय डियर फ्रेंड्स, है ना. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनग्रूव्स. यहाँ पर देख सकते हैं कि लो ऑक्सीजन लेवल्स को भी रेजिस्ट कर सकता है सॉइल में, ठीक है. टॉलरेटिंग सैलिनिटी लेवल ज्यादा होता है इसका, ठीक है. ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है, फ्लडेड एरिया जो भी है जहां अगर मैनग्रूव्स है, तो मैनग्रूव जो है फ्लड को भी ये कंट्रोल करता है, है ना. तो सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन को भी सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है कौन? मैनग्रूव्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. अब आते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा मैनग्रूव आपके पाए जाते हैं. तो देखिए एक तो गुजरात का कोस्टल एरिया है जहां पे मैनग्रूव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है. उसके बाद आगे आपका रत्नागिरी मैनग्रूव्स, ये हो गया आपका जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मैनग्रूव्स आपके पाए जाते हैं. गोवा हो गया, है ना, ये रीजन में आपको कर्नाटका, ये रीजन आप चलेंगे जब मुंबई से गोवा की तरफ चलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनग्रूव आपको दिखाई देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. उसके बाद हो गया केजी बेसिन, है ना, कृष्णा गोदावरी वाला जो एरिया है उसमें मैनग्रूव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है. और सबसे ज्यादा अगर आप बोलिए तो गुड क्वालिटी के मैनग्रूव्स वो सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, है ना, जहाँ पे गंगा आकर के मिलती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, वहां पे सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है मैनग्रूव्स. महानदी रिवर जो है जो आपका ओडिशा में पाया जाता है, यहाँ पर भी आपका जो है मैनग्रूव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सर. अंडमान निकोबार में तो मैनग्रूव्स तो है ही पूरे भरे हुए. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मैनग्रूव्स जो है क्या क्या करता है. देखिए मैनग्रूव तो एक ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड सिंक करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सेलिन वाटर में वाटर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। मैनग्रूव से सबसे ज्यादा इकोसिस्टम आपका बैलेंस रहता है, ठीक है। बहुत सारे जो है जीव जंतु सबसे ज्यादा मैनग्रूव में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका जो है जड़ से जो है लेता है आपका क्या श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन सिस्टम इसका जड़ से होता है। इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन लेवल जड़ पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सारे जीव जंतु इसके नीचे भी पाए जाते हैं और रह सकते हैं, है ना। तो मैनग्रूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला, जिसे फ्लड को कंट्रोल करना है, तो फ्लड को कंट्रोल करना चाहते हैं आप तो मैनग्रूव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लड कंट्रोल के लिए, है कि नहीं। सबसे ज्यादा आप देखे होंगे मडी एरिया में, जो भी है मडी एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका मैनग्रूव ट्री को, ठीक है। तो मैनग्रूव ट्री बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, और ये सबसे ज्यादा सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये सेलिन वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में सबसे ज्यादा ये सब जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा मैनग्रूव पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए मैनग्रूव्स में एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप देखे होंगे जैसे किंग कोबरा, ये जो सबसे जहरीला सांप है आप देखे होंगे, ये किंग कोबरा, ये किंग कोबरा जो है सबसे ज्यादा मैनग्रूव ट्री के नीचे पाया जाता है, सबसे ज्यादा, है ना। देखो किंग कोबरा के एक अलग ही खास बात है, किंग कोबरा वाकई में बहुत ज्यादा वेनमस सांप है आपका, स्नेक है। और किंग कोबरा की सबसे अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, खास बात यह है कि जितना ये अच्छे तरीके से जमीन में चल सकता है, उतनी अच्छी तरीके से ये तैर भी सकता है। रिवर में सबसे ज्यादा जो है पानी के ऊपर भी जो है सब सतह के ऊपर भी किंग कोबरा सबसे ज्यादा तैरते हैं, ठीक है। तो किंग कोबरा सबसे ज्यादा पाया जाता है आपको, तो मैनग्रूव ट्री के आसपास देखे होंगे आपको किंग कोबरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए मैनग्रूव ट्री के आसपास आप कभी भी जाते हैं, देखिए ये दिस इज कॉल्ड मैनग्रूव ट्रीप्स, है ना। इसलिए आप देखे होंगे कि सुंदरबन जो है, सुंदरबन सबसे ज्यादा किंग कोबरा पाया जाता है, कहां? सुंदरबन में, इंडिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा किंग कोबरा कहां है? सुंदरबन में। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिटेट, उसके टेम्परेचर लेवल, उसका लो टेम्परेचर, टाइडल लेवल, ये सब कुछ मेंटेन है उसका, इसलिए किंग कोबरा सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका कहां पर? सुंदरबन में। और जहां मैनग्रूव ट्रीज होंगे वहां सबसे ज्यादा पाए जाएंगे सर, ठीक है। सो मैनग्रूव होता क्या है? बफर जोन बिटवीन द लैंड एंड द सी, लैंड और सी के दोनों के बीच का जो एरिया है, जैसे मान लो ये लैंड है ये सी है, दोनों के बीच का जो एरिया, इसको बोलते हैं बफर जोन। इस बफर जोन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, मैनग्रूव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपको। मैनग्रूव प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द इरोजन, अभी बताया मैंने। दे प्ले इंडिविजुअल रोल एज नेचर शील्ड अगेंस्ट साइक्लोन, इकोलॉजिकल डिजास्टर, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। देखिए कहा जाता है ना कि नेचर जो है हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, अगर आप नेचर के ध्यान रखेंगे तो नेचर आपका ध्यान रखेगा। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है साइक्लोन जो पाए जाते हैं आपके कोस्टल एरिया में, जैसे अभी यास आया साइक्लोन, तो सबसे ज्यादा यास आया जो साइक्लोन कहाँ था? कोस्टल एरिया में था आपका, है ना। इसलिए मैनग्रूव प्लांट जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पर? कोस्टल एरिया में पाया जाता है, ताकि वो ज्यादा ज्यादा साइक्लोन को आपका हीट करने से रोक सके, साइक्लोन को बचा सके, है ना। और बहुत सारे जो विंड की वेलोसिटी है उसको भी कम करता है। तो ये मैनग्रूव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोलॉजी की, इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड एज वेल एज फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? मैनग्रूव्स। सो दिस इज द शॉर्ट व्यू ऑफ द मैनग्रूव्स। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।